दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। रिवाजपुर गांव में एक बड़ा कूड़ा घर बनने वाला है जिसका विरोध हो रहा है। आज प्रेस वार्ता भी रखी गई है, आप लोग देख रहे हैं, तमाम लोग अपनी बात रख रहे हैं। और रिंकू सिलानी जी हैं जो वार्ड नंबर 32 से पार्षद पद की तैयारी कर रहे हैं, इनसे भी बातचीत कर लेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर ये रिवाजपुर में जो कूड़ा घर बन रहा है इसका विरोध सब कोई कर रहे हैं, आज प्रेस वार्ता भी रखी गई है, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए जो रिवाजपुर के अंदर ये कूड़ा घर बन रहा है ये बहुत ही एक गंभीर समस्या होने वाली है। जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं ये समझिए कि पूरा एक तो माहौल खराब हो जाएगा, बदबू होगी, और जो गाड़ियाँ डंपर ओवरलोड चलेंगे एक तो वैसे ही यहाँ रास्ते ठीक नहीं है और रास्ते खराब होंगे, पीने का पानी वैसे ही भी ठीक नहीं है वो भी खराब होगा। जैसे कि बंधवाड़ी देख लो, बंधवाड़ी के पास से निकलते हैं तो वहाँ पे इतनी बदबू आती है कि इंसान निकलने गुजरने में बहुत तकलीफ होती है। ऐसे ही यहाँ ये मेरे एरिया है जो वार्ड नंबर 32 इससे होते हुए थोड़ी सी दूरी पे है, कहीं ना कहीं जब पानी एक इतना बड़ा डंप होगा यहाँ पे और वो बरसात होती है पानी नीचे बैठता है कूड़े का सारा, पूरी जमीनी सतर ना इससे खराब हो जाएगा। और ये बदबू नहीं, बदबू के साथ साथ ये देखिए कि आज पीने के पानी की इतनी बड़ी समस्या है, अगर थोड़ा बहुत बच रहा है ये उसे भी खत्म करना चाहते हैं। इन्होंने पहले जितने भी गांव थे वो नगर निगम के अंदर कर लिए। सबसे पहले तो ये गांव जितने थे यहाँ पे शायद इनका जितना पंचायती पैसा और जमीन वो हड़प ली सरकार ने, अब उन्हें और टॉर्चर कर रहे हैं यहाँ पे कूड़ा घर बना के। अगर कूड़ा घर बनाना है, कूड़ा घर ये भी जरूरी है भाई, कूड़ा घर बनेगा शहर का कचरा कहीं तो जाएगा, पर कोई ना कोई ऐसी जगह देखनी चाहिए जो कि किसी को भी परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो, सही ठीक है। पर सरकार आंख बंद करके काम कर रही है, ये लोगों के लिए इतनी बड़ी समस्या होने वाली है, बीमारी यहाँ पे इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी जिसका कोई हिसाब नहीं। और इससे अच्छी एक चीज़ और मैं बताता हूँ जो बहुत ही खराब है समाज के लिए, पास में ही दो दो तीन तीन हॉस्पिटल है और इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, वहाँ पे मरीज अपना इलाज करवाने के लिए आएंगे या बीमार होने के लिए आएंगे? समझने वाली बात है भाई, जहाँ पे इतनी बदबू और इतनी बीमारियाँ मच्छर, वहाँ पे इतने बड़े हॉस्पिटल कैसे चल सकते, वो भी सरकार की परमिशन से ही बने हैं। स्कूल भी हैं, अस्पताल भी हैं। मैं वही बात कर रहा हूँ ना कि एकेडमी है, तो मरीज आ रहे हैं इलाज करवाने के लिए, वो इलाज नहीं करवाएंगे और उल्टा बीमार होंगे। बच्चों की बात करेंगे, फ्यूचर की बात करेंगे। आप विरोध कर रहे हैं सर? मैं बिल्कुल विरोध कर रहा हूँ और मैं पूरे दल बल के साथ समाज के साथ हूँ, जो मेरे से बनेगा मैं समाज के साथ सरकार से लड़ाई करूंगा। हमारा विरोध सिर्फ इतना है सरकार से कि ये कूड़ा घर यहाँ पे नहीं बनना चाहिए। इस तरीके के अगर बनाना है कहीं जमुना के किनारे चले जाओ, कहीं खुले उसमें चले जाओ, बहुत जगह है शहर के अंदर, ऐसा नहीं है, ये तो रिहायशी इलाका है, रिहायशी इलाके के अंदर बनाना सरकार कैसे परमिशन दे सकती है? समझने वाली बात है कि खुला हो तो करे सरकार, एक रिहायशी इलाके में जहाँ पे रिहायशी है, रिहायशी में तो वैसे भी नहीं बनता। तो ये किस सोच, क्या समझ है इनकी, किस तरीके से ये सरकार सिर्फ पंचायतों का पैसा हड़प के उसको और जो जमीन बची है उसमें ये कुछ तो कर नहीं सकते, उसमें ये चीज करे, यहाँ के जो किसान भाई है उनकी जमीनों को जो बची हुई भी है उसे भी हड़पना चाह रहे हैं। चलो ठीक है सर, आपने अपनी बात रखी। देखिए रिंकू सिलानी विरोध कर रहे हैं और इनका कहना है कूड़ा घर वहाँ पर नहीं बनना चाहिए और जनता को परेशान नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि कूड़ा घर बनते ही वहाँ के लोगों की ज़िंदगी नरक बन जाएगी। और ऐसा गांव वाले भी अपना डर दिखा रहे हैं, चाहे वो रिवाजपुर गाँव के हों, चाहे भूपानी के हों, पलवली के हों, आसपास जितने भी गाँव हैं सब के सब परेशान हैं और सब के सब यही चाहते हैं कि कूड़ा घर ना बने। ठीक है सर, धन्यवाद आपका बातचीत करने के लिए। आइए कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे। पारस भारद्वाज जी भी हैं देखिए, और इधर भी तमाम लोग हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। हाँ इधर भी देखिए बात अपनी रख रहे हैं। नमस्कार मैडम। नमस्ते जी। क्या विरोध है आपका? हमारा पूरी तरह विरोध है जी इस कचरा घर को लेके। कचरा घर हमारे 16 गांवों के बीच में बनाया जा रहा है, जिससे बिल्कुल टच, एकदम टच है, जो बीपीएल कॉलोनियां हैं और हमारे 16 गांव हैं, रिवाजपुर है, टिकावली है, भूपानी है और ददसिया है, किड़ावली, शेरपुर, ढाडर, ये हमारे 16 गांव इसके बिल्कुल नज़दीक हैं। जो उनके बीच में जो ये डंपिंग यार्ड बनाया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। हम जो बीपीएल कॉलोनियां बनाई गई हैं वो सरकार
सरकार द्वारा प्लॉट काटे गए हैं, और सरकार फिर भूल रही है कि इन गरीब लोगों के बीच में तुम डंपिंग यार्ड बना रहे, वो मरेंगे या जिएंगे ये सोच भी नहीं रही है सरकार। विरोध है आपका पूरा? पूरी तरह विरोध है। हमारी 16 गांव की महिलाएं पूरी तरह मजबूत हैं, उनकी आवाज बुलंद है, वो सब तरह से डंडा लेने के लिए तैयार है, डंडा खाने के लिए भी तैयार। क्या मैडम? माला चौहान कह रहे हैं महिलाएं डंडा लेकर खड़ी हैं, अगर कोई जाएगा तो डंडे से स्वागत होगा। पारस भारद्वाज जी, आपने प्रेस वार्ता रखी है तो क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बहुत सारी चीज़ें तो आपको हमारे जो साथी हैं सबने बता दी होंगी। मैं तो सिर्फ सरकार को एक आपके माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूँ कि याचना नहीं अवरण होगा, याचना नहीं अवरण होगा। तो बात यह है कि अगर यहाँ पर इस 15-16 गांव की जमीनों को खराब करने का काम करेंगे, अगर आप हमारी नस्ल और फसल खराब करने का काम करेंगे, तो ये हमारा जो मंच है, ये जो आज जितने भी लोग बैठे थे, ये गांव की सरदारी का मंच है, ये जनता का मंच है, ये समाजसेवी संगठनों का मंच है, ये आपकी कोई विपक्ष की पॉलिटिकल पार्टियों का मंच नहीं है जो मुर्दा पड़ा हुआ है और जो आपकी मनमानी को सहन कर रहा है, वो जिनके आपके साथ कोई डील चलती है, ये वो वाला मंच नहीं है। ये अगर आपको कुर्सी पर बिठाना जानता है तो आपको कुर्सी से उतारना भी जानता है और बहुत अच्छे से जानता है। तो इसका पूरा भरपूर विरोध होगा और किसी कीमत पर हम कूड़ाघर नहीं बनने देंगे। सर, ऐसे बहुत सारे शहर हैं जहाँ पर कूड़े का सही से प्रबंधन किया जाता है, निस्तारण किया जाता है, तो फरीदाबाद में ऐसा क्यों नहीं हो पाता? अभी बहुत सारे जो हमारे ऑफिसर हैं, कभी इंदौर जाते हैं, कभी अहमदाबाद जाते हैं, कभी कहाँ जाते हैं सीखने के लिए कि कचरे को कैसे खत्म किया जाए, तो फरीदाबाद में ऐसा क्यों नहीं हो पाता, क्या कमी है? देखिए, इसमें मैं सीधा सीधा आरोप लगाऊंगा सरकार के, जो ये जो जिन प्राइवेट ठेकेदारों को देते हैं, ये कहीं ना कहीं मिली भगत है। क्योंकि देखिए, ये जो है घोटालों का शहर है, फरीदाबाद जो है घोटालों का शहर है। किसी समय किसी इंडस्ट्रियल शहर होता था, आज आप देख लीजिए कि कदम कदम पर घोटाला है। 200 करोड़ का घोटाला है ये नगर निगम का जो घोटाला है, वार्डबंदी तक में घोटाला कर गए, पॉपुलेशन जनगणना के अंदर घोटाला कर गए, जो मतलब जहाँ पर घोटाला नहीं होना चाहिए वहाँ पर भी ये लोग घोटाला कर जाते हैं। तो इसी तरीके से क्या है कि ये जो अपने जितने भी ये जो कूड़ा कलेक्शन का काम है, इसके अंदर भी घोटाला हो रहा है। ये पर टनेज के हिसाब से पेमेंट मिलती है इनको, तो ये क्या करते हैं कि भाई उसको प्रोसेसिंग ना करके, क्योंकि अगर ये प्रोसेसिंग करेंगे तो कूड़े का वजन हल्का हो जाता है, भाई कहीं ना कहीं उससे प्रोसेसिंग होगी, इंसिनरेशन होगी, मशीन्स लगेंगी, तो वो ना कर ये लोग क्या करते हैं, इकट्ठा करके अपनी पेमेंट लेने का काम कर रहे हैं। तो शायद इस वजह से सरकार नहीं करना चाहती, क्योंकि मोटा पैसा इधर से उधर उसके अंदर हो रहा है, जो मुझे सीधा सीधा इसमें नजर आता है। पैसे कमाते हैं, खर्चा नहीं करते, उसका निस्तारण नहीं करते। पैसे कमाते हैं और गलत तरीके से कमाते हैं, घोटाला करके कमाते हैं। ये आप देखिए, हिंदुस्तान के ही इंदौर जैसे शहर के अंदर कूड़े के मैनेजमेंट है। आप विदेश से टेक्नोलॉजी लेके आइए, आप वहाँ से भाई अब तो जो ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, आप किसी भी देश से टेक्नोलॉजी ला कर यहाँ पर कर सकते हैं। और जगह क्यों नहीं इस तरह के जो कूड़ा घर हैं वो बनते हैं? सिर्फ हमारे ही हेल्थ के साथ खिलवाड़ क्यों किया जाता है? अब गाँव मिर्ज़ापुर आप देख लीजिए, गाँव मिर्ज़ापुर का उदाहरण मैं देता हूँ। मिर्ज़ापुर गाँव के अंदर STP बनाने के लिए इन लोगों ने किया, गांव वालों ने विरोध किया, तो वहां पर जो STP की मशीनें तो हटा दी, लेकिन फिर क्या है, जो गंदा पानी, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट आ रहा था वो वहीं के वहीं आता रहा, और वो गांव आज की डेट में कैंसर का हब बन चुका है। ऐसे परिवारों को मैं जानता हूं जिनके अंदर एक साल पिछले 5 सालों के अंदर 4 मौतें हो चुकी है, यानी कि हर साल एक मौत हो रही है और कैंसर के कारण मौत हो रही है। तो विरोध है, पूरा विरोध है और मजबूती से विरोध है, चाहे हमें इसे किसी भी हद तक जाना पड़े, हमें गिरफ्तारी देनी पड़े, हम उसके लिए गिरफ्तारी देने के लिए तैयार है, और अगर हमें लट खाने पड़ेंगे पुलिस के तो हम वो भी खाने के लिए तैयार है, लेकिन यहाँ पर कूड़ा घर नहीं बनने देंगे, इस शहर की आबोहवा नहीं खराब होने देंगे, अपने क्षेत्र की नस्ल और फसल नहीं खराब होने देंगे, किसी कीमत पर नहीं खराब होने देंगे। ठीक है सर, धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो पारस भारद्वाज जी का कहना है कि हम किसी भी कीमत पर कूड़ा घर नहीं बनने देंगे। और भी कुछ लोग हैं यहाँ पर, ये देखिए कुसुम भाटी भी जी हैं। कुसुम भाटी जी नमस्कार। कुसुम भाटी जी हैं, देखिए पार्षद पद की तैयारी कर रही हैं वार्ड नंबर 37 से, तो इनसे भी बातचीत कर लेंगे, भूपानी गांव की हैं। नमस्कार मैडम। नमस्कार। तो आपका भी विरोध है गांव की तरफ से? हाँ जी। नहीं बनने देंगे आप लोग कचरा घर? देखो, बनने तो नहीं देंगे, कोशिश तो करें कि सरकार हमारी बात माने, क्या नाम लाए, क्योंकि यहाँ आस पास की आबादी है और यहाँ जैसे कि रेनी वॉल हो रहे हैं तो पानी तो नीचे ही जाएगा सारा, तो यही पानी हम सब लोग पियेंगे, तो इससे क्या होगा, बीमारियाँ फैलेंगी। बस हमारी यही है सरकार से रिक्वेस्ट है कि यह कूड़ा घर ना बनाया जाए। ठीक है मैडम, धन्यवाद। तो कुसुम भाटी जी का भी कहना है कि कूड़ा घर ना बने और इनकी जिंदगी नरक ना बनाई जाए। तो हमने कई लोगों से बातचीत कर ली है, अभी देखते हैं आगे क्या होता है, कूड़ा घर बनता है या नहीं बनता। वैसे कई जगह कूड़ा घर पहले बन रहा था, चाहे वो सोताई गांव हो चाहे पाली गांव हो, वहां से उड़ गया क्योंकि वहां भी इसी तरह का विरोध हुआ था। अभी रिवाजपुर गांव में भी इसी तरह का विरोध हो रहा है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।